बस्तर या घोड़ा जो काफी महंगा बिकता है भाई। बस्तर आइडियल ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारी अपलोड वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो भाई ये रसगुल्ले उल्ले मिल रहे हैं और काफी सारे लोग आए हैं। ये देखो मिठाई ताजे ताजे वाले भजिया बन रहे हैं भाई, रसगुल्ले और समोसा वमोसा है। काफी दिनों बाद दिखाई दे रही है ये देखो मिठाई, क्या लग रहा है न, लॉकडाउन में मिठाई दिख रही है, कितना मजा आ रहा है। मोबाइल मिल दे मोबाइल तो आंटी बोल रही है कि छाता क्यों टांगे हो भाई, बरसात तो कम हो गया लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है गाइस, तो क्या करना है, मैं रिकॉर्ड मार रहा हूँ तो मोबाइल में ना गिर जाए, इसीलिए जो है मैं छत्ता टांग लिया हूँ, है ना। कितने कितने का यार, कितना का है? 20 रुपये में 3 मिल रहा है। ओला उला लेके नहीं आया हूँ, एयर भी है इधर भाई, आम कच्चे कच्चे वाले, हल्दी कच्चा, कंडीशन कुछ ऐसा है। और ये देखो साहब काफ़ी लोग बारिश आए हैं बाजार, मैं माइक भी नहीं लगाया यार, डिफॉल्ट माइक से सेट हो रहा है। ये देखो भुट्टा उट्टा भीग रही है भाई साहब, ओ भाई मारो मुझे मारो, इधर ताज़ा ताज़ा करेले मिल रहे हैं भाई। कितना का है करेला? 20 रुपये का है दोस्तों करेला। ओह तेरी। तो दोस्तों मानसून का मार्केट भरी बरसात में झमाझम बारिश में घूम के आपको कैसे लग रही है बताइएगा जरूर, और मेरे वाइफ तो आप लोग को आ रही होगी है ना, देख के मजा आ रहा है भाई साहब। ये क्या है बोड़ा? ये भाई बोड़ा कितने का है? ये 100 रुपया गाय सोली मिल रहा है, बस्तरिया बोड़ा जो काफी महंगा बिकता है भाई, वो कब मिलता है वाला है। आज कंडीशन कुछ ऐसा हो गया है, अक्षय कुमार जैसा हो गया है, छाता उता लेके घूमना पड़ रहा है मेरे को, और पेंट उंट मार के। टमाटर कैसा है केजी? 30 रुपये 40 रुपये, 30 से लेकर 40 रुपये केजी चल रहा है दोस्तों। भाई झमाझम मानसून में ब्लॉक 40 रुपये केजी टमाटर, यार जब झोले खरीदेंगे हम तो सामान किधर रखेंगे मन तो पता नहीं चल रहा, बहुत कीचड़ कीचड़ हो गया यार, इधर किधर जाऊं क्या लूं समझ नहीं आ रहा। ओ तेरी काफी भीड़ है यार, और इधर देखो झमाझम मानसून में मजा ही कुछ और है मेरे भाई। एक सामने दिख रहा है, चलो देखते हैं एक झोला। ये मौत का कुआं वाला वो है, अगर कोई नीचे नहीं देखेगा सीधे नीचे जाएगा, ले रहता हूँ ले लिया हूँ 10 रुपये का झोले भाई, 2-3 किलो संभाल ले तो थोड़ा ठीक रहेगा है ना। पीछे ना करेले उरेले नजर आ रहे हैं ना, तो भाई माइक नहीं लगा है यार, पता नहीं कैसा आवाज आ रहा है। चलो क्या लेते हैं अपन, पहले तेल एक पैकेट ले लेते हैं भाई, दिल का बता दे बोल रहे हैं। ये देखो मानसून, ये भाई इधर भिंडी उंडी है इधर काफी ज्यादा, और तेल देते 1 किलो 150 और आधा वाला, अरे बाप रे उससे कम वाला नहीं है क्या? 60 और 50। अरे भाई धनिया मिल रहा है इधर भाई, सेव यार मानसून में कितना चल रहा है सेव का, कितना चल रहा है केजी? सेव मानसून में भाई 100 रुपया चल रहा है केजी। तो भाई आपके यहाँ मानसून में कितना चल रहा है पता नहीं, इधर काफी सारी हरी सब्जी मिल रही है दोस्तों। केजी आलू 20, आलू तो ले जाना पड़ेगा, तो आलू ले लेता हूँ यार दोस्तों, 2 केजी ले जाता हूँ 40 रुपये का। भाई अपना चल रहा है 1 केजी आलू का 20 रुपये केजी, 2 केजी दो ले रहा हूँ अपन, चेंज भाजी ना। टमाटर कितना है केजी टमाटर? 40 रुपये 30 रुपये। करेला का? करेला पाव 20। अच्छा मिल रहा है आलू मिल रहा है इधर, और भाई साहब 20 20 20। भैया क्या जब भी सामान लेते हैं तो कहने होता नहीं, तो काफी ज्यादा वजन हो गया भाई। हम मिर्ची खरीदेंगे देन, ये भाई केक्सी का बड़ा भाई, मैं लगता है ऐसे चीज के लिए रखना पड़ेगा। 1 किलो 40 मिल रहा टमाटर, और भाई बीच में काफी भीड़ हुआ करता था,
20 रुपया मिल रहा है भाई मूली। तो भाइयों सब्जी वब्जी तो कम हो गया। मानसून में कैसा लग रहा है बारिश घूम के भाई साहब, मतलब बाजार घूम के? तो ये भाई भिंडी, भिंडी अपन खाते नहीं है। और इधर सब्जी है, मछली बिक रही है दोस्तों, सब्जी भाजी मिल रहा है इधर। सो दोस्तों क्या कहना चाहिए, मानसून के बाद ना इस तरीके का मार्केट लगना लॉकडाउन के बाद काफी विलेज वासियों को थोड़ा सा सुविधा हो रहा है। तो भाई इधर लाल भाजी है, मूली है एंड हर भी दिख रहा है। अरे भाई ये कौन सा भाजी, जो भी भाजी है, और हर भी है बोलूँगा। तो भाई साहब इधर कुछ सब्जी उब्जी नहीं नजर आ रहा है, उधर जाना पड़ेगा, उधर जाके देखते हैं। कपड़े दुकान वाले बाजू से गुजर रहे, कपड़े दुकान वाले। अरे ये मेरा एक पुराना मित्र मिल गया, दिख रहा है लड़का लेकिन ब्लैक ब्लैक ला रहा है। तो भाई अपना अंकित भाई को तो जानते हो, अभी बदलाव आया है, सब मस्त चल रहा है ना? बढ़िया बढ़िया चल रहा है भाई का। चलो इधर चलते हैं। ये यार फैंसी स्टोर साइड काफी भीड़ रहता है। चलो मानसून में बाजार घुमाते हैं। इधर कुछ नहीं है, इधर चल के देखते हैं। कितना है बैंगन? 15 पाव मतलब आधा किलो हुआ 30 रुपया। भाई बैंगन, ये यार कैमरा में छेद दिख जा रहे हैं भाई साहब। तो आधा किलो अपन ले रहे हैं बैंगन, और इसका कितना चल रहा है सेमी का? आगे पीछे सब खरीद रहे हैं भाई साहब, और मैं भी काफी झोला भर के खरीदा हूँ। इधर दोस्त भी झोला भर के खरीदा है, सब सामान अमीर लोग के पास है, बाकी लोग के पास नहीं है। चप्पल कैसा कैसा है? 8 100 नंबर। तो दोस्तों सब्जी खरीदे, भाजी खरीदे, चप्पल खरीदे, जूते खरीदे, कपड़े भी खरीदे भाई साहब, छत्ते भी खरीदे, और धीरे धीरे टमाटर खरीदना बची है। हाँ मास्क नहीं लगा ला, 4 रुपए दे होगा इन 250 रुपया दिया से 2 रुपया मास्क का। तो चलिए ये 20 रुपए में 4 पीस गए, आपसे डिवाइड करोगे तो 5 रुपया एक पड़ रहा था सूखी वाली। यू आर रियली लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बस्तर आइडियल ब्लॉग्स, बिकॉज मैं इस तरीके का रूरल एरिया ट्राइबल एरिया को एक्सप्लोर करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। तो देखने को मिलती है आपको ये मानसून वाली फर्स्ट ब्लॉग होगी जो मार्केट वाली होगी, है ना? तो लोग बने रहिए, नॉर्मल हो रही है, लोग नॉर्मल लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं और अपना रोजी रोटी के लिए देखो काफ़ी सारे लोग ग्रामीण अपने सब्जी तो लाए हैं, लेकिन जो पब्लिक है अभी भी मार्केट में उतना नहीं आ रही, ताकि पब्लिक को प्रॉफिटेबल हो, है ना? तो सब्जियां काफ़ी सारे हैं लेकिन जो खरीदने वाले हैं उनकी संख्या भाई आप लोग देख सकते हो मार्केट में नज़र नहीं आ रही होगी। इसमें से आधा से ज़्यादा लोग जो हैं सब दुकान वाले हैं, और जो सब्जी खरीदने वाले वो आए नहीं है, ऐसा कुछ चल रहा है। ये बास्ता 20 रुपए का दोस्तों, बास्ता ब्लर हो गया यार। तो चलो वी आर परचेसिंग टोमेटो, करेला आल्सो देयर इट, और लेडीज फिंगर आल्सो देयर, एंड मेनी ग्रीन वेजिटेबल आल्सो देयर, एंड बनाना इज देयर। ऐसा है क्या जी? अरे यार का ये है 50% डिस्काउंट वाला, यानी कि फटे नोट लाना है। टमाटर ले लेते हैं यार, कितना कितना
क्या बोलना चाहिए, ग्रीन चिली, जो हमेशा अटक जाता है यहीं पे आके, है ना। तो हर कहानी मिर्ची में आके रुक जाता है, क्योंकि भाई मिर्ची ना जल्दी मिलता नहीं है। ऐसा देसी वाला बोल रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी वाला आता है, तो सरकारी वाला में थोड़ा क्या ना जल्दी खराब हो जाता है ना। नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, और मानसून वाला ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताना, है ना, और कहाँ का मार्केट और आई भी बताना। तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय सब दोस्तों। ये पंद्रह बम्बू से बनी हुई स्टफ है, ये 150। अरे अच्छा भाई, यो सामान वामान रखने के लिए उपयोग होता है ना। तो चलो अभी सब मार्केट हो गया एंड, सब बाजार करके जा रहे हैं, देख सकते हो, तो हम भी जा रहे हैं।